नमस्कार, आप सबका स्वागत है डीडवाणा में। किन्नर समाज का ऐतिहासिक सम्मेलन होने के लिए होना जा रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में प्रदेश भर के किन्नर डीडवाणा में इकट्ठे हुए हैं। अभी इनकी एक शोभा यात्रा डीडवाणा के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः सभा स्थल की ओर जा रही है। आपको बताते हैं, ये किन्नर सम्मेलन डीडवाणा में 5 दिन तक चलने वाला है। प्रदेश भर के किन्नर इस समाज के अंदर इस सम्मेलन में इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों को एक बार पुनः बता दूं मैं कि डीडवाणा में अपने आप में ये पहला ऐसा सम्मेलन है जिसमें प्रदेश के कोने कोने से किन्नर इकट्ठे हुए हैं। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों से भी बड़े नामचीन किन्नर जो हैं वो डीडवाणा में पधार रहे हैं। किन्नरों का ये सम्मेलन अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अनूठा है। ऐसा कोई सम्मेलन आज तक डीडवाणा में पहले नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में जो है वो किन्नर इस सम्मेलन में डीडवाणा पहुंचे हैं। अभी ये किन्नरों की जो शोभा यात्रा है वो नगर के विभिन्न हिस्सों से होती हुई वापिस सभा स्थल तक जा रही है। ये इनके रीति रिवाज हैं, इनका अलग सिस्टम है। गाजे बाजे और धूम धड़ाके के साथ और किन्नर समाज की जो रैली है, ये जो शोभा यात्रा है वो नगर के विभिन्न हिस्सों से गुजरती हुई अभी उन्हें जो इनका मुकाम जो है हमीद कॉलोनी में जो इन्होंने स्थापित किया है, जब बड़ी तादाद में देश के साथ साथ प्रदेश के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से जो हैं वो किन्नर समाज के लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल किस तरीके से इनकी जो शोभा यात्रा है वो नगर के विभिन्न हिस्सों से होती हुई और अपने मुकाम पर अपने सभा स्थल की ओर जा रही है। आपको एक बार पुनः बता दें कि ये डीडवाणा में इस तरीके का अपने आप में पहला सम्मेलन है, अनूठा सम्मेलन जिसको अपन कह सकते हैं। ये सम्मेलन इसको ऐतिहासिक ही कहा जाएगा कि इतनी बड़ी तादाद में किन्नर समाज जो है वो डीडवाणा में इकट्ठा हुआ है। इस पूरी खबर पर हम आपको अपडेट बराबर देते रहेंगे। डीडवाणा के लिए ये एक अच्छा संकेत माना जाता है, कहा जाता है किन्नर समाज की जो दुआएं हैं वो ऊपर वाला हमारा ईश्वर जो है, हमारा जो भगवान है वो कबूल करता है। किन्नर समाज जो है बहुत ही अच्छी तादाद में, इनकी जो भीड़ है बड़ी शानदार भीड़ इनकी कही जाएगी। ये रागिनी जी हैं जो डीडवाणा से हैं, इनके गद्दी का जो इनकी गद्दी नशीन को लेकर के इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। इनकी आज जो है वो ताजपोशी होगी और डीडवाणा क्षेत्र में डीडवाणा का जो क्षेत्र है वो इनके लिए ही निर्धारित किया गया है। और ये बौद्ध जी पार्षद है जिनके साथ किन्नर समाज के लोग हैं, ये उस इलाके के पार्षद हैं। और किन्नरों का जो है ये सम्मेलन डीडवाणा के लिए अपने आप में अद्भुत है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि देश भर से इतने किन्नर एक साथ डीडवाणा में इकट्ठे हुए हैं। नाचते गाते धूम धड़ाके के साथ अपने पूरे रवाब में, अपने पूरे इनका जो सिस्टम है, इनके जो रीति रिवाज हैं उनके अनुसार अपनी पूरी छवि के साथ ये लोग नगर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए डीडवाणा के मुख्य मुख्य मार्गों से होते हुए आज इनकी जो ये जो शोभा यात्रा है अपने मुकाम तक पहुंचती हुई। और
आपको बता दें कि देश भर के जो किन्नर हैं इस सम्मेलन के अंदर जुटने जा रहे हैं और 5 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन डीडोना के हमीद कॉलोनी में इन्होंने इसकी जो है व्यवस्था की है और बड़ा ही शानदार, जिसको अपन कह सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने जो है इस आयोजन का आयोजन ये तय किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आयोजन जो है वो पूरा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही इस खबर पे, और बहुत जल्द हम आपको इसके अपडेट देते रहेंगे।